खाना कब से? मैं कब से बोल रहा हूँ मुझे बना के दे। Back to my channel. Thank you so very much for tuning in. For those who are watching me for the first time, hey, this is Jyoti, and you know I have a very gorgeous daughter who's 5 years old, Jala. So, abhi she's playing because usne noodles kha liya hai aur uska pet bahut mera bhi bhar gaya. Uska bhi pet bahut zyada bhar gaya. Intro main abhi shoot kar rahi hu. So, समथिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो और ये आपको देखना ही चाहिए. रीजन क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा. सो गो अहेड कंटिन्यू द वीडियो व्लॉग. आई विल कंटिन्यू द व्लॉग. आप वीडियो देखो एंड मुझे जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा. फजबरा फजदे व्हाटएवर इट इज मखा कमेंट करो एंड आई गो थ्रू ऑल योर कमेंट्स. एंड काफ़ी टाइम बाद इस बार वीडियो आ रहा है. So very sorry for that, but अब से फिर regular हो जाएगा. Oh, and I think I've gained weight. What do you guys think? But क्या करें, it's winter and winter में you just feel like eating so much. This is what's happening with me. अपना भी बताना. Okay? So चलो video पहले start करते हैं. आज झलक ने बनाया मेरे साथ noodles. मोस्टली तो उसने ही बनाया एंड आई एनकरेज हर बिकॉज शी लव्स कुकिंग. शी इज़ इंटरेस्टेड इन कुकिंग. तो आई एनकरेज हर थोड़ा थोड़ा. इसने पहले भी एक पास्ता बनाया था. नहीं देखा है, देखा है मुझे कमेंट में बताना. और आज जो बना रही है बहुत ही ज़्यादा यमी वाला नूडल्स, तो वो भी देखना और बताना कैसा लगा, क्या लगा, सारे फीडबैक्स मुझे देना. ओके सी यू. बाबा पर नूडल्स आर नॉट हेल्दी शोना, दिस आर जंक फूड्स. पर मामा दिस नूडल्स आर हेल्दी. ओके शो मी. ओके सो यू हैव मिलेट, आई मीन वी हैव आवर मिलेट नूडल्स विद अस एंड ओके शी आल्सो हैव अ मोर पैकेट. सो यू आर स्लीपिंग विद द नूडल्स. हाँ ठीक है. तो वी हैव दीज नूडल्स विद अस एंड दीज आर एक्चुअली हेल्दी नूडल्स. लेट मी शो यू द पैकेजिंग फर्स्ट. आई मीन अगर आपके बच्चे भी डिमांड करते हैं जंक फूड के लिए, स्पेशली नूडल्स के लिए, तो मैंने बहुत ढूंढा, सोचा समझा कि क्या करूँ, कैसे मैं ये मैदे वाले नूडल्स को रिप्लेस करूँ कुछ हेल्दी नूडल्स के साथ. एंड आई फाइनली फाउंड दिस स्लर्प फार्म का मिलेट नूडल्स. यहाँ पे एक है लिटिल मिलेट मेरे पास, एक है फॉक्स टेल. सो लेट झलक डिसाइड कि उसको इन दोनों में से कौन सा खाना है. बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ कि बेसिकली ये चीज़ बनी किस किन चीज़ों से बने हैं ये. तो एज मच एस आई नो इसमें सारे के सारे हेल्दी आइटम्स डाले गए हैं. यहाँ देख सकते हो आप, लिटिल मिलेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक फॉस्फरस एंड सेलेनियम. तो यहाँ पे है होल व्हीट फ्लावर, इसमें हमारे पास है लिटिल मिलेट. तो बनाना तो बहुत सिंपल है, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, रेसिपीज भी दिए गए हैं. एंड नूडल्स तो आई थिंक हम सब प्रो हैं क्योंकि इवन मैं अपने बचपन से खा रही हूँ. बट ऑफकोर्स हेल्दी वर्जन पहले अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल है. सो मैं लिंक जो है नीचे मैंशन कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप स्लर्प फार्म के मिलेट नूडल्स अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी वर्जन एंड बहुत जल्दी कुकिंग. यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 4 मिनट्स एंड हम सबको पता है नूडल्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं. एंड द अमेजिंग पार्ट इज मेड बाई 2 मदर्स. ऑफकोर्स अगर इतने अच्छे कोई आइटम्स आते हैं तो मुझे समझ आता है मस्ट बी फ्रॉम अ मॉम परसेप्शन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक मम्मा ही समझ सकती है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब डिमांड करते हैं चॉकलेट खाना है, नूडल्स खाना है, ये वो, तो कहाँ से लाए हेल्दी चीज़ें. सो थैंक गॉड एंड थैंक यू स्लर्प फार्म की हमारे पास आपने ऐसे ऑप्शन अवेल किए हैं. तो बेबी झलक चलो चूज विच वन यू वॉन्ट. मेरे पास ये 2 है तो दिस वन येलो पैकेट फॉक्स टेल मिलेट. ठीक है चलो लेट्स गो एंड मेक दिस टुगेदर. यस ओके चलो चलो.
taste? Oh, Mama, it's so tasty. Is it yummy? You liked it? Yes. तो ये आपको बाकी के नूडल्स ज्यादा पसंद आए कि ये वाले? दोनों अच्छे हैं, जंक फूड वाला भी और ये हेल्दी वाला भी। ज्यादा कौन सा पसंद है? वैसे अच्छा तो लगा दोनों ही, पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये, क्योंकि जब भी मैं बोलूं और आप मना भी नहीं करूंगी क्योंकि ये तो जंक नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इसको पास दे दे। पास हो गया ये? Okay. Do kids have all the fun? मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ मेरा ये स्लर्प फार्म के मिलक नूडल्स। दिखने में ऑनेस्टली तो दिस नो डिफरेंस। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि खाने में भी यू कैन नॉट मेक आउट कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है। इनफैक्ट मैं अब इसका प्राइस भी चेक कर रही थी एंड जो क्वांटिटी इसमें है, ये जो मैंने अभी प्लेट में लिया है और वो सिर्फ हाफ ऑफ द क्वांटिटी था, ठीक है, हाफ और है। तो इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आई मीन अगर आप ऑर्डर करते हो अपने लिए जंक में नूडल्स वगैरह, तो ये आपको इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, वो आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। सो अगर आप भी जंक के लवर हो तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। आपको स्लर्प फार्म से सिर्फ नूडल्स ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंट फूड मिल जाएंगे, जैसे डोसा मिल जाएगा आपको, केक मिक्स मिल जाएगा, बहुत सारे। अगर आप इनके वेबसाइट को विजिट करोगे, बहुत सारे इनके पास इंस्टेंट फूड है जो कि हेल्दी भी है, इसमें कोई जंक नहीं है, इसमें पाम ऑयल भी यूज़ नहीं होता, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आर हेल्थ। तो इट्स ऑब्वियसली गुड टू शिफ्ट टू अ हेल्दियर वर्जन ऑफ फूड, क्योंकि खाना तो हमें इंस्टेंटली चाहिए होता है, टेस्ट भी हमें चाहिए होता है। एंड ऑनेस्टली अगर ये आ रहा आप किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके खिलाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक हेल्दियर वर्जन ऑफ नूडल है, बिकॉज टेस्ट वाइज नो कॉम्प्रोमाइज, प्राइस वाइज अफोर्डेबल, हेल्थ वाइज 100% बड़ा सा टिक है इसको। सो मैं अभी रेगुलरली अपने आप पे स्लर्प फार्म के ही प्रोडक्ट्स लाने वाली हूँ और बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी भी मिल गई मुझे। ऐसा नहीं हुआ कि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो सारे लिंक, एवरीथिंग आई मैंशन, जो भी मुझे याद है भूल गई, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैंशन भी करना है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आई मैंशन एवरीथिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड झलक भी बोल दो, बिकॉज एवरी वन लव्स वेन झलक सीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यस, एंड हम खाते हैं हमारा नूडल्स, बाय। वो भी हेल्दी वाला, तो झलक इसलिए बहुत खुश है ना, क्योंकि मम्मा अलाउ कर रही, बेटा खा लो जितना खाना है खा लो, कोई बात नहीं है। सो थैंक यू बोल रहे हैं ना आपको स्लर्प फार्म को, थैंक यू थैंक यू।